हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ आप लोग ये ठीक होंगे। जैसा कि आप जो इस वीडियो में देख सकते हो, ये मेरा S22 अल्ट्रा है और यहाँ पर जो है मेरे फ़ोन में जो है ग्रीन लाइन इशू आया है और साथ ही में जो है ब्लैक लाइंस भी आई हुई हैं पूरी स्क्रीन पर। जो है यही है, यहाँ पर जो है बहुत मतलब बीच में हल्का हल्का सा गैप है और जो है ब्लैक लाइंस हैं और ऊपर में जो है लेफ़्ट साइड में एक इतनी बड़ी जो है ग्रीन लाइन जो है आ चुकी है। अगर आप लोगों का फ़ोन जो है नया है और वो वारंटी में है तो आप लोग जो है इसको जब भी अपडेट कीजिएगा। अगर आपका फ़ोन वारंटी में नहीं है तो उसको अपडेट मत करना, क्योंकि मैंने जब अपडेट करा था उसके 10 से 15 दिन बाद मेरे को ये इशू देखने को मिला है और मेरा फ़ोन उस टाइम वारंटी में नहीं था तो मेरा फ़ोन जो है अभी ठीक नहीं हुआ। लेकिन अगर आप लोगों के पास वारंटी वाला फ़ोन है तो आप लोग एक बार ये रिस्क ले सकते हो। मैं तो ये कहूँगा मत लेना, अगर आप लोगों का मन करता है तो आप लोग ले सकते हो। लेकिन अभी जो है अगर इसका सोल्यूशन की मैं बात करूँ, अगर मेरे को ये फ़ोन यूज़ करना है तो मेरे को क्या करना होगा, मेरे को डिस्प्ले में जाना होगा और इसका जो मोशन है वो 60 हर्ट्ज करना होगा तो ये फ़ोन जो है ठीक हो जाता है। और इसमें भी जो है आप लोगों को जो है क्या दिक्कत आएगी कि जो येलो कलर है वो आपको येलो नहीं दिखेगा, रेड कलर है रेड कलर नहीं दिखेगा और यहाँ पर एक लाइन भी जो है दिख रही है आप लोग को, मतलब एक स्ट्रेट लाइन टाइप जो है देखने को मिलेगी। हाँ, अगर आपका फ़ोन वारंटी में नहीं है और आपका जो है अगर नहीं डिस्प्ले जो है चेंज हो पा रहा है तो आप लोग जो है इस तरीके को भी जो है यूज़ कर सकते हो। लेकिन अगर आप लोगों के पास फ़ोन है S20 सीरीज़ से लेकर S23 अल्ट्रा तक तो उस पर आप लोग जो है रिप्लेसमेंट फ्री में जो है ले सकते हो। 31 दिसंबर तक जो है सैमसंग के सर्विस सेंटर में जो है फ्री रिप्लेसमेंट जो है चल रहा है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। जय हिंद, वंदे मातरम।